बिना बारूद के इसराइल को दर्द देगा ईरान, कैसे बनाया जासूसी नेटवर्क। आपको बता दें ईरान ने इसराइल पे हमले के लिए नई साजिश रची है। ईरान के जासूस इसराइल में सुपर एक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने जासूसों के जरिए ईरान इसराइल में कई फियादिन हमले करवा सकता है, जिसकी झलकियां भी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इसराइल को दर्द देने की तैयारी में जुट चुका है और ये उसका पहला चरण है। दरअसल 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल डाला। ये दर्दनाक घटना गलीलोत सैन्य पीस के पास हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 लोग घायल हुए। इसराइल का दावा है कि ये हादसा नहीं बल्कि एक लोन उल्फ आतंकी हमला है। तस्वीरों में नजर आया कि गलीलोत सैन्य बेस के पास मौजूद बस स्टैंड है, जहां कई लोग खड़े हैं। इनमें कई इजरायली सैनिक भी मौजूद हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और लोगों को कुचल देता है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रक सामने से आ रही बस पे जोरदार टक्कर मारता है। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतार कर पीट पीट कर मार डाला। हमलावर की पहचान रामी नसरल्ला के तौर पर हुई, जो इसराइल के कलानसावे शहर का रहने वाला था। रामी नसरल्ला कई गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। इसराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस लोन वुल्फ अटैक में ईरान का हाथ था। जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया है, दावा है कि वो ईरानी एजेंट्स के संपर्क में थे। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ओनली को सब्सक्राइब करें।